हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं। ये क्रॉप प्लांट्स के बारे में कुछ हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था। एग्रीकल्चर किसको कहते हैं और क्रॉप प्लांट किसको कहते हैं। अब देखिए, ये तीसरा टॉपिक आया हम लोगों के पास, क्रॉप प्लांट्स और द बेसिस ऑफ क्रॉप रोटेशन। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका क्रॉप प्लांट है वो किस तरह से, कौन कौन सा दो टर्म है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट टर्म था आपका क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेमेंट, और सेकेंड टर्म था क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। तो ये दोनों अब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला देखिए, क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेमेंट, सब एग्जाम्पल्स था इसमें। देखिए सबसे पहला है अनाज जो होता है, जिसको हम लोग काफी दिन तक कर सकते हैं, वो कौन कौन सा है? राइस, वेट, मेज, बारे और फूल। ये सब आप नाम सुन चुके हैं, राइस, चावल, वेट, गेहूं, मेज, बारे। ये जई होता है, इसका मतलब बारे वाले जौ होता है, ठीक है। उसमें नेक्स्ट देखिए, पल्स, पल्स और लेगून क्रॉप्स। पल्स और लेगून क्रॉप्स क्या है देखिए, इसमें क्या होता है, जो जाल बना सकते हैं, जिस क्रॉप जो अनाज से हम दाल बनाते हैं, कौन सा है? ग्राम है, चना है, मटर है, बीन्स है। ये दो तीन चीज से हम लोग दाल बनाते हैं। राहड़ भी है, अरहर है, बहुत तरह तरह का है। तो इस तरह से देखिए, उसके बाद देखिए तीसरा जो टर्म में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेमेंट, वायर सीड क्रॉप्स। वायर सीड जिससे हम लोग क्या मानते हैं, तेल, तेल निकाल सकते हैं। वायर सीड क्रॉप्स कौन कौन सा है तो देखिए, मस्टर्ड, सरसों, ग्राउंड ग्राउंड में जानते हैं, बादाम होता है, सोयाबीन। ये तीन चीज से हम लोग वायर निकालते हैं, वायर बनाते हैं और उसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। चौथा चीज है फाइबर क्रॉप्स, जो कपास है देखिए, कॉटन, जूट, ये कपास जिससे कपड़ा बनता है। उसके बाद है रूट क्रॉप्स, जिस जो जो जमीन के अंदर पैदा, जैसे आलू है ना, स्वीट पोटैटो, देखिए स्वीट पोटैटो और कैरेट, ये जमीन के अंदर पैदा वाले खाने का चीज है। छठा है ट्यूबर क्रॉप्स। ट्यूबर क्रॉप्स कौन कौन सा है? ट्यूबर क्रॉप्स में आपका आया पोटैटो एंड ताबियों का जीन नेम है, बायोलॉजिकल नेम, ठीक है। पोटैटो आपका आलू जानी है। अब देखिए, ये हो गया क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेमेंट। ये छह कैटेगरी में हम लोग बांट दिए। अब क्या है दूसरा, हम लोग पढ़े थे क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, विच इज कॉल्ड ए विच इज दे ग्रो। ऐसा ऐसा क्रॉप प्लांट जो अलग अलग सीजन में, जैसे गर्मी में, बरसात में, ये बसंत ऋतु में, जो जो सीजन में जो क्रॉप पैदा होता है उस हिसाब से जो बांटते हैं। तो हम लोग जानते हैं जनरली दो ही सीजन हमारे इंडिया में है। कौन कौन सा है? एक है गर्मी का, एक ठंडा का। तो मेन क्रॉप जितना भी पैदा होता है या तो गर्मी में या ठंडा में या बरसात में, एक ही वो सीजन है। देखिए यहाँ इसको हम लोग क्रॉप सीजन कहते हैं, और देसी सॉफ्ट जब सीजन हम लोग क्रॉप को बांटते हैं तो उसको क्रॉप सीजन कहते हैं। तो देखिए, देयर आर टू मेन क्रॉप सीजन इन आवर कंट्री, हमारे देश के दो मेन क्रॉप सीजन होते हैं। पहला जो है द रबी क्रॉप, द रबी क्रॉप, रबी फसल, इसको रबी क्रॉप माने रबी फसल, और दूसरा है द खरीफ फसल। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि रबी फसल और खरीफ फसल में क्या डिफरेंस है। रबी फसल ऐसा है जिसको हम लोग ठंडा में लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में, उसमें उसका उसको पैदा करते हैं, मतलब उसका बीज डालते हैं और उसको हार्वेस्टिंग कब करते हैं, कटाई कब करते हैं, तो ये मार्च अप्रैल में कटाई करते हैं। तो ये हो गया रबी क्रॉप। इसमें आपका जान रहा है गेहूं होता है, गेहूं आप लोग देखे हैं, गेहूं आपका रोपा जाता है अक्टूबर नवंबर में और काटा जाता है कब, मार्च अप्रैल में, ज्यादा ज्यादा मात्रा में गेहूं होता है। उसी तरह से दूसरा है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या है? खरीफ क्रॉप्स का आकार समझिए, ये जो है जून जुलाई में बरसात होता है, पानी जब खेतों में रहता है, उस समय ये फसल पैदा किया जाता है और कटाई का होता है। हार्वेस्टिंग आपका जो है, हार्वेस्टिंग जो है वो होता है आपका ये सितंबर अक्टूबर में, ठंडा के दिन में काटा जाता है। तो इसको हम लोग समर क्रॉप्स भी कह सकते हैं और इसको हम लोग विंटर क्रॉप्स भी कह सकते हैं।
सीजन, सीजन के हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से ये हम लोग दो कैटेगरी में फसल को बांट सकते हैं, क्रॉप्स को बांट सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में इन दोनों को डिस्कस करते हैं, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप।